हेलो गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्रीकी मुसाफिर सोम। सो गाइस, आ गया हूँ आज मैं अपने एक और नए वीडियो को लेके। जो आज का मेरा ब्लॉग है, आज मैं जा रहा हूँ नत्था टॉप। जो नत्था टॉप है वो पत्नी टॉप के बगल में ही है। आज नत्था टॉप जाने का कारण ये है कि गाइस, लास्ट टाइम मैं पत्नी टॉप गया था और मैं नत्था टॉप लास्ट टाइम जा नहीं पाया था। सो इसी कारण से आज जो है मैं स्पेशली नत्था टॉप के लिए ही जा रहा हूँ। गाइज, जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ जैम लगा हुआ था। गाइज, आप देख सकते हैं एक ऑटो आया है केरला से जो कश्मीर घूमने जा रहा है, देख रहे हैं गाइज। तो जब मैं यहाँ आया ना, तो गाइज यहाँ पे पूरे जो नत्था टॉप और पत्नी टॉप का चौक है उसके पास ही इतनी खतरनाक तरीके से जैम लगी हुई थी। तो मेरा यहाँ 1 से 2 घंटे यहाँ बहुत बर्बाद हो गया। फिर हम उसके बाद आगे गए। ये देखिए गाइज, अभी हम यहाँ जो राइट साइड है ये पत्नी टॉप का रास्ता है और ये जो लेफ्ट में है ये नत्था टॉप का रास्ता है। तो हम अब नत्था टॉप के लिए ही निकले हैं। ये बर्फ़ में ना एक चीज़ क्या है कि आप नॉर्मल गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। यहाँ जो गाड़ी अभी अलाव है वो है ये चेन लगी हुई, ये देखो पैरों में चेन। सेम श्रीनगर साइड में भी यही सीन है। ये नत्था टॉप का एंट्री में ही एक आर्मी कैंट है। ये नत्था टॉप का सीधा रास्ता मैं पहले आया था, मुझे याद है, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। बाकी इधर बर्फ़ यार सही बताऊँ, इतनी सेक्सी बर्फ है ना। ये तो अब पहाड़ों में आए हैं और मैगी ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हमने पहले मैगी से ही शुरुआत की। तो मैं आपको यहाँ तक आने का रास्ता बताता हूँ। गाइस, जो अभी मौसम है, आप बस से नहीं आ पाओगे। अगर बस से अगर आपको आना है तो जम्मू से आपको बस पकड़ के उधमपुर आना पड़ेगा, फिर उधमपुर से बस चेंज करके पत्नीटॉप आना पड़ेगा। मगर गाइस, इस टाइम अगर आप अपनी खुद की कार या शेयरिंग टैक्सी जो होती है उनको बुक करके अगर आप आते हो तो बेस्ट रहेगा। और गाइस, अभी भी नत्था टॉप में गाड़ियों को जाने नहीं दे। हमारे साथ एक हमारा दोस्त है, उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी पुलिस वालों से, तो उसने पता नहीं कहाँ से लाइटिंग लगाया, लगाने के बाद ही हमें आगे जाने दिया। तो गाइस, और आप ये देख सकते हैं, जब धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे थे ना तो ठंड और भी बढ़ रही थी क्योंकि बर्फ़ पड़ रहा था। और गाइस, इस तरफ अगर आप आते हो तो रोड पे बहुत से लोग जूते वगैरह कपड़े वगैरह बेचते हैं, तो मुझे लगता है आपको वो सब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बेकार चीज़ें हैं। बाकी आप अपना घर से ठंड के चीज़ें, ग्लव्स वगैरह लेके आओ, यहाँ ठंड बहुत है यार, सही बताओ। जितना हम ऊपर चढ़ते गए ठंड उतनी बढ़ती रही। और गाइस, इधर आप देख सकते हैं रोड पे ऐसा है ना, रोड पे बर्फ़ थी। यहाँ पे आर्मी और सिविल जो है वो लोग मिलके यहाँ से रोड हटाते हैं जब भी स्नोफॉल होता है, उसके बाद ये रोड साफ़ होती है। बाकी गाइस, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जम्मू में जो ठंड है उससे ज़्यादा ही ठंड है, तो अपना प्रिकॉशन आप खुद लेके आओ तो बेस्ट है। बाकी यार, यहाँ अगर आप जम्मू में हो और आपको बर्फ़ देखना है तो ये बेस्ट जगह है, क्योंकि यार मेरे को भी मतलब इतना मज़ा आया यहाँ पे। यहाँ पे ना गाड़ियाँ भी मतलब थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, इस कारण से आपको लग रहा होगा कि स्पीड में, लेकिन हम मैक्स 30 के ऊपर स्पीड हमने बढ़ाया नहीं है क्योंकि टायर बहुत स्लिप कर रहे थे। और क्या है, आगे से अगर कोई गाड़ी आती है ना तो हमको रुकना पड़ता है, क्योंकि दोनों गाड़ी को क्रॉस करवाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ड्राइविंग सही से आती तो ही आप गाड़ी चलाना। यार गाड़ी खतरनाक फंस जाती है यार भाई, व्यू एक नंबर, क्लासी व्यू है। A few moments later. ये देखिए गाइस, हमारी गाड़ी ऐसे फंस गई थी, टायर घूम रहा था। हमने बहुत मुश्किल से धक्का मार मार के इधर से गाड़ी निकाली। वैसे बर्फ में क्या है, आप दो बंदे भी हो ना अगर आराम से धक्का मार के निकाल लोगे, लेकिन गाइस यही है कि यहाँ संभल के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए अब रोड पूरे कितने गीले हैं। गीले इसलिए क्योंकि बर्फ था जो पिघल गया और रोड ऐसा हो गया। अब धूप है, बहुत अच्छा धूप है, मतलब धूप तो इतनी ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कतें हैं यार। तो इसीलिए यही कहूँगा कि आराम से आओ, आराम से। अगर आप आउटसाइड जम्मू के हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप टैक्सी करके आओ तो सही है यार, क्योंकि फालतू के इधर रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। बाकी बर्फ़ देख लो यार, बर्फ़ का तो मतलब लेयर इतना सही है, बहुत मज़ा आया हमको तो देख के। बाकी हम यही प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, यहीं कहीं देखते हैं थोड़ा सा और आगे जाके,
वहीं बगल में कहीं अच्छी जगह मिले तो वहीं बैठ के अपन फोटोशूट करेंगे और फिर वहीं से वापस निकल जाएंगे। ये हमारी गाड़ी दोबारा फंस गई थी और ये देखिए गाइस, मैं धक्का मार मार के बुरा हाल हो गया था। मतलब तो हमने प्लान यही किया कि यहीं गाड़ी हम लगा देते हैं साइड में, तो मैंने धक्का उक्का मार मुर के जैसा भी है। क्योंकि मैं भी यहाँ 3 बार आया हूँ, ये मेरा 4th बार है और इतना बर्फ मैंने मेरे ख्याल से मैं इससे पहले 3 बार देखा नहीं। अभी हमने एक जगह देखी है, ये बहुत सही जगह है यार, वहीं बैठेंगे थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे फिर निकलेंगे। ये अच्छा हुआ पहले कोई आया हुआ था जिस कारण से हमें रास्ता पहले ही मिल गया, नहीं तो हमें बनाना पड़ता। गाइस मैं आ चुका हूँ नत्था टॉप। लास्ट टाइम ध्यान होगा कि पुलिस वाले ने रोक दिया था जिस कारण से मैं नत्था टॉप आ नहीं पाया था। इस बार लेकिन नत्था टॉप आ गया, कहीं कहीं से सिफारिश लगाकर फाइनल नत्था टॉप। अभी वैसे आने नहीं दे रहे गाड़ी लेके, जो पत्नी टॉप का चौक है ना उधर ही से गाड़ी वापस कर दे रहे हैं, वहीं पर आ गए यार। भाई बहुत रिक्वेस्ट करके जैसे भी हो, यहाँ बहुत लेयर में बर्फ है यार। ये देखो बर्फ ऐसा है ना यार कि बहुत तगड़ा बर्फ है यार, मजा आ गया कसम से। फील ऐसा हो रहा है जैसे मैं गुलमार्ग में बैठा हूँ। यू व्यू आप देख सकते हो, व्यू इतना तगड़ा है ना यार नत्था टॉप। अगर मैं बताऊँ पत्नी टॉप आ रहे हो आप तो नत्था टॉप जरूर आना, टॉप में उससे ज्यादा बर्फ है। तो आप ये देखिए, आप आके बढ़िया फोटोशूट कर सकते हो और बर्फ, लेकिन जो भी करो ध्यान, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे कहाँ कहाँ है पता नहीं चलता, बर्फ इतनी ज्यादा लेयर में है। क्योंकि ये इसके फ्रिज से बर्फ निकली है जिस कान से ऐसे फैला रहा है। इसकी मत कर फंस गया। ज्यादा ज्यादा बर्फ में घुस गया था यार ये तो। भाई फंस गया यार, निकाल निकाल इसको, निकाल यार। भाई ज्यादा बर्फ में इसलिए निकल गया, निकल गया, निकल गया यार। ये बर्फ देखो यार मेरा घुटने तक है इसके नीचे और ज्यादा है यार, है ना, इसके नीचे नहीं जाना भाई। अरे भाई निकल गया यार, ये कैसे हो गया तेरा सरसुर पूरा बर्फ हो गया। फंस गया था बर्फ में भाई साहब, पूरा फुल्ली फंस गया था बीच में। हैं देख सर पे तेरे बर्फ बर्फ हो गया यार, झाड़ दे इसको यार, बहुत गंदा बर्फ हो गया यार। तू अंदर चल गया था ना, बहुत बहुत अंदर गया भाई, यहाँ बहुत गहरा है यार सही में। ओ ओ भाई ये तो देखो इतना गहरा है यार। भाई मैं आऊँ? आ जाओ सर। डर तो नहीं है? कोई बात नहीं यार, डर लगता है बड़ा यार। ओ भाई ये कहाँ डूब गया मैं तो। ओ भाई इसमें बर्फ बहुत है यार, गड्ढा देखो कितना हो गया यार, बहुत गहरा है यार, बहुत गहरा। अच्छा यहाँ ठीक है यार, ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है थोड़ा सा। ओ ओ भाई आगे नहीं जाऊंगा यार, सही बोला। सुनो तो गाइज अब बहुत इंजॉय हो गया, टाइम हो गया 5, सो मुझे अब लगता है यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि शाम हो जाएगा तो मुझे वापस जाने में दिक्कत होगी। सो गाइज ये मैं पत्नी टॉप का सेकंड वीडियो है मेरा ये, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो पत्नी टॉप तक ही आ पाया था, उसके आगे आया नहीं। ये मेरा नत्था टॉप का वीडियो है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, संभल के जाना पड़ेगा, शाम हो रही है। यहाँ के रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिप करते हैं, मैं गाड़ी से आया हूँ, वैसे अभी यहाँ गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा जाने में वापस, क्योंकि हमने ये प्लान जो किया था एक दिन का ट्रिप प्लान किया था कि सुबह आके शाम तक वापस चले जाएं, तो हम इसीलिए अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं गाइस अभी भी मतलब यहाँ 5 बज गया है लेकिन फिर भी इतना अंधेरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ा हुआ है जिस कारण से रोशनी इतनी ज़्यादा चमक रही है कि अंधेरा उतना पता नहीं चल रहा है। तो गाइस हम यहाँ से वापस जा रहे थे, आते वक्त तो उतना टाइम नहीं लगा लेकिन अब देखते हैं जाते वक्त कितना टाइम लगता है। बस हमारा जो टाइम बर्बाद हुआ था वो यहीं पत्नी टॉप से
वही करीब आधा किलोमीटर पीछे से, क्योंकि वहाँ पूरा जैम लगा हुआ था, तो हमें गाड़ी निकालने में बहुत टाइम लग गया था आते वक्त। लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता अभी इतना जैम होगा, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी गाइस अगर आप यहाँ कभी आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि ठंड के मौसम में आप नत्था टॉप आना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ना नत्था टॉप में ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो आप इस दिसंबर नवंबर जनवरी के महीने में आप पत्नीटॉप अच्छे से घूम सकते हो, लेकिन अब अगर गर्मी में आओगे इस जगह पे तो यहाँ आप घूम सकते हो। आप देख ही रहे हो गाइस कि इधर बहुत ज़्यादा लेयर में बर्फ़ है, और पत्नीटॉप का आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, उसमें इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है पत्नीटॉप में, क्योंकि पत्नीटॉप में स्नोफॉल थोड़ा कम होता है, नत्था टॉप थोड़ा हाई पे है, जिस कारण से यहाँ पे स्नोफॉल कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो इस वीडियो के रिलेटेड या जम्मू में घूमने के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो पक्का लाइक करना। तब तक के लिए गाइस बाय।